Good morning, students. Today in computer, I have given you to solve the revision test that is based on the chapter number 3. You have to, as you all have done the revision test, that is chapter number 1 and 2, in the same way, you have to do this also, revision test that is based on the chapter number 3. You have to thoroughly learn the chapter, you have to learn the chapter number 3 and then you will do this revision test in your classwork copy. And as you all know, no cheating, do it sincerely. So let's start. Fill in the blanks. In fill in the blanks, the first one is 3 raised to 3 equals to 9 can be written using dash tool. जो 3 raised to 3 है equals to 9, ये किस टूल से हम लोग इस तरीके से इस फॉर्म में लिख सकते हैं? How we can write that? Second number, dash is the direction in which a document is displayed or printed. आपको यहाँ पे बताना है, ऐसा नेम यहाँ पे लिखना है आपको, जो कि बताता है डायरेक्शन जिसमें कि डॉक्यूमेंट दिखाई देता है या फिर प्रिंट होता है. सो यू विल राइट द आंसर इन दिस ब्लैंक. थर्ड नंबर इट इज सेइंग डैश ऑप्शन अलाउस अस टू सेट पेज मार्जिन्स ऑफ अवर ओन चॉइस. आपको किस ऑप्शन से आप सेट कर सकते हो अपने ही चॉइस का पेज मार्जिन. यू हैव टू राइट दैट ऑप्शन हियर, ताकि आप अपने ही चॉइस का क्या सेट कर सकते हैं, पेज मार्जिन्स. वो किस ऑप्शन से किस ऑप्शन से आप ऐसा कर सकते हो, यू विल मेंशन इट इन दिस प्लान. फोर्थ नंबर, डैश टूल अलाउस टू अप्लाई द फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट टू अनदर पीस ऑफ टेक्स्ट. ऐसे टूल का नेम आपको बताना है जो कि आपको फॉर्मेट करने देगा, वो भी किसको, टेक्स्ट. टेक्स्ट क्या होता है, कोई भी चीज लिखा हुआ अगर है, वो चाहे वर्ड हो या सेंटेंस हो, उसे हम क्या कहेंगे, टेक्स्ट, यानी लिखी हुई चीजें, उसे हम टेक्स्ट कहते हैं. इस ये टूल आपको अलाउ करता है फॉर्मेट करने के लिए टेक्स्ट को, या फिर अपने ही टेक्स्ट में या फिर किसी दूसरे टेक्स्ट में. सो यू विल राइट दैट टूल नेम इन दिस ब्लैंक. फिफ्थ नंबर इट इज डैश इज यूज्ड टू एग्जिट फ्रॉम फॉर्मेट पेंटिंग मोड. ऐसा कौन सा की है, यू हैव टू मेंशन द की नेम हियर, जिससे यू कैन एग्जिट, यानी आप बाहर निकल सकते हो फ्रॉम द फॉर्मेट पेंटिंग टू. यानी फॉर्मेट पेंटिंग मोड, यानी इस मोड से, इस टूल से आप बाहर निकलना चाहते हो, देन विच की यू विल यूज इट हियर, यू विल मेंशन इट हियर इन दिस प्लान. नाउ वी विल मूव ऑन टू द ट्रू और फॉल्स. इन दिस व्हाट यू हैव टू डू इज, if the statement is correct or it is true, then you will write T. If the statement is false, yani galat hai, it is incorrect, then you will write F. True ke liye aap likhoge T, false ke liye you will write the F. In true and false, the first one is, the two types of page orientation are portrait and landscape. Jo two types ke orientation hote hain, वो हैं कौन कौन से, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, यू विल मेंशन इन दिस बॉक्स. सेकेंड नंबर, फाइंड रिप्लेस फीचर हेल्प्स इन करेक्टिंग स्पेलिंग मिस्टेक्स. जो फाइंड एंड रिप्लेस फीचर है, ये जो टूल है आपका फाइंड एंड रिप्लेस, इसकी हेल्प से हम लोग कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं, यानी सही कर सकते हैं. यू विल मेंशन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. In this, the third number is, the text after the break goes to the next available column or page. अगर किसी भी टेक्स्ट के बाद अगर हम लोग ब्रेक लगाते हैं, then that page moves to the next column or next page. So this statement is true or false. यानी जो टेक्स्ट है आपका कहाँ चला जाता है, कॉलम या फिर पेज में. This statement is true or false, you will mention in this box. फोर्थ नंबर, बाय डिफॉल्ट ऑल पेज मार्जिन्स आर 1 इन एमएस वर्ड. यानी बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, यानी पहले से ही जो मौजूद हो,
यानी उसे हम सेट नहीं करते, वो ऑलरेडी पहले से, जैसे कि आप समझ सकते हो ऑन एंड ऑफ का जो बटन होता है वो हम लोग सेट नहीं करते, वो ऑलरेडी किसी भी इक्विपमेंट्स में साथ में मिला होता है, हमें पता होता है, वहां पे सिंबल्स बना होता है, यानी उसी से ऑन एंड ऑफ होगा। तो उसी तरीके से बाय डिफॉल्ट यानी पहले से ही जो पेज मार्जिन्स होता है वो 1 होता है एमएस वर्ड में। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स विल मेंशन इन दिस बॉक्स। नेक्स्ट वी कम, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज द नेम 2। इसमें आपको कोई भी 2 नेम्स लिखने हैं। फर्स्ट वन इन दिस इज पेज सेटअप। पेज सेटअप के कौन कौन से ऑप्शंस हैं? बहुत सारे ऑप्शंस आपने लर्न किए, यू विल राइट ओनली 2 हियर। सेकेंड इट इज ओरिएंटेशन। 2 टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन यू हैव टू मेंशन इट हियर। नेक्स्ट इट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको क्या करना है? आंसर करने हैं इन क्वेश्चंस के। फर्स्ट वन, राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ हेडर एंड फुटर। 2 एडवांटेजेस आपको बताने हैं किस किस के, हेडर एंड फुटर। सेकेंड इट इज एक्सप्लेन द ऑप्शंस, रिप्लेस ऑल एंड फाइंड नेक्स्ट। यानी आपको एक्सप्लेन करना है कौन कौन से ऑप्शंस, रिप्लेस ऑल एंड फाइंड नेक्स्ट किस में, किस ऑप्शन में, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में। आपको फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में बताना है कि रिप्लेस ऑल और फाइंड नेक्स्ट का फंक्शन क्या है, ये लोग क्या करते हैं। सो यू विल डू दिस क्वेश्चंस इन योर क्लास ऑफ कॉपी एंड डू इट सिंसियरली आफ्टर लर्निंग द चैप्टर प्रॉपरली एंड डू इट सिंसियरली। अगेन आई एम टेलिंग यू, डू इट सिंसियरली, डोंट डू चीटिंग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।